शहनाज जब भी घर में थी मुझसे शादी करोगी मैं तभी भी आप गए थे एंड देन थिंग्स आई थिंक डिडंट वर्क आउट एंड देन यू नो यू गाइस अनफॉलो ईच अदर. बट अगर मैं बात करूँ तो उसी के बारे में, बिग बॉस 13 के बारे में या सिद्धार्थ या शहनाज के बारे में, सो क्या कुछ आप बताना चाहोगे, लाइक आर दे स्टिल इन टच और व्हाट वाज द रीजन या समथिंग लाइक दैट, बिकॉज वी हैव सीन लाइक वो किस तरीके से लाइक आपके ऊपर जंप कर रही थी व्हेन यू वाज देयर एंड स्टिल पीपल गो गागा व्हेन दे सी दैट वीडियो. मैं उसके बारे में अब क्या बोलूं, मैं वो किसी की इच्छा थी और मैंने अंदर जाके पूरी कर दी. पर उसके बाद फॉलो अनफॉलो वाला बिजनेस थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि इट्स बिकॉज़ क्या होता है, पीपल स्टार्ट ब्लेमिंग, अरे यार गौतम की वजह से हुआ, शी स्टार्टेड किसिंग गौतम एंड यू नो हगिंग गौतम, तो सिद्धार्थ को अच्छा नहीं लगा टाइप्स. So why to come into with somebody's relationship, you know, like someone loves her. Actually, my genuinely she was a fan, so it's fine, it happens. But then I would not want them to have those misunderstandings, you know. So this is why I had to unfollow. And it's not like I'm against her. But then it's just that sometimes a lot of fans of Shehnaz and Siddharth, they also mind ki yaar nahin, why this Gautam is there. Abo logo ke liye wo unka pyaar hai. So, you know, then they come on my wall. So then they come on my Instagram and comment, अरे भाई माफ करो, तुम अपना अपना काम करो, मेरा कोई ऐसा कुछ है नहीं, ना ही मैं कोई टच में हूँ और ना ही मुझे कुछ लेना देना है. I am very much happy in my own life. You guys stay happy. So I wish them all the best. But then, you know, these the fans, they come up and then they write stuff and all. So dheere dheere phir, you know, I felt ki, you know, I think one should not stay in touch that way. So I have later on I stopped staying in touch because I think kal ko unke relationship mein bhi koi misunderstanding ho, problem ho, so if we catch up or if we ever say hi hello, koi aapas mein ladai ho jaye unki, to isliye main thoda sa in sab cheezon se dur rehta hu. Mujhe किसी और के रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं करवानी. दैट्स व्हाई आई एम फॉलोड एंड लाइक आई डोंट स्टे इन टच दैट वेज, स्पेशली व्हेन समवन इज इन अ रिलेशनशिप एंड नॉर्मली आल्सो आई मेक श्योर किसी की मेरी वजह से किसी की लाइफ में तकलीफ नहीं आनी चाहिए. सो या बाकी इंटरनेट तो गाली देता ही है, इफ यू आर एन एक्टर उसने गाली देनी है, इफ यू आर फेमस इंटरनेट में कुछ गलत बोलना ही है.